हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे से होगे और अपने जो पढ़ाई है आपकी वो प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज हम लोगों को द एंड करना है इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, बस इतना सा ही पढ़ना है जो तीन हेडिंग्स लिखी हुई हैं, मतलब ये फॉर्मूले हैं मेन, ठीक है? इनके बारे में पढ़ते ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? पहले है फॉर्मूला ऑफ लेंस, या इसी को बोलते हैं हम लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला में क्या होता, 1/f = 1/v, बट वहां पर क्या था, प्लस था, यहाँ पर माइनस की जगह पे क्या था, प्लस था। ठीक है, तो वो क्या था आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/f = 1/v + 1/u। ये जो आपका था क्या था आपका मिरर फॉर्मूला, और ये क्या है आपका लेंस फॉर्मूला। इसमें आप जानते हैं f क्या होता है, f फोकल लेंथ है, v जो है आपका क्या है, v है आपकी डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस? आपकी इमेज की। जो डिस्टेंस किसी इमेज की डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, v। ठीक है, और u क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। क्लियर? ऑप्टिकल पॉइंट से जो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उसको u बोलेंगे, और v किसको बोलेंगे, जो हम इमेज की डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये तो आपको नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपने वहां पर भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ा है। यहाँ पर देखो, ये आपको ये सब नहीं लिखने को आएगा, सिर्फ वो इसका जो मेन क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला आ जाएगा लिखने को, और आपसे इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उस पर आपको यूज करना होगा। तो देखिए, अगर कभी पूछ दे तो आपको याद भी होनी चाहिए। उसमें कुछ नहीं है, इसका जो रेशियो बता देना, आई और ओ का रेशियो। आई क्या है आपके, साइज ऑफ इमेज, आई से इमेज, और उसकी साइज जो कितने साइज की वो इमेज बन रही है, और ओ क्या है कि जो इमेज की क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो साइज है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की साइज, और आई मतलब इमेज की साइज के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, एम मतलब मैग्निफिकेशन। क्लियर, और इसके बाद ये था इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, किसमें, मिरर, जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो मिरर में पर एक चीज यहाँ पर याद रखो, आपको माइनस लगा था, ठीक है, पर लेंस में क्या है, माइनस नहीं लगा होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसके बाद पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मतलब क्या है कि जो फोकल लेंथ होती है ना उसकी, किसकी, लेंस की, जो मतलब ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ है, उसके और क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब अपॉन उल्टा होता है क्या, पावर ऑफ लेंस। और इस ये फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। जब भी अगर हमको पावर ऑफ लेंस की पावर हमको ज्ञात करना है, लेंस की पावर हमको निकालना है, तो वो मीटर में होनी चाहिए क्या, फोकस, सॉरी फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस से और डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर तक क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए आपकी, मीटर में होनी चाहिए। क्लियर, और इसको हम डायोप्टर, इसकी यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है, इसी तरीके से पावर ऑफ लेंस की जो क्या बोलते हैं यूनिट होती है, वो क्या होती है, डायोप्टर होती है, इसको बोलते हैं डायोप्टर। इसका ये फॉर्मूला p = 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में। क्लियर, आज बहुत छोटा सा वीडियो है ये, और इसके बाद ये खत्म है। अगर देखिए, अब मेरी एक कंडीशन है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब मैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर आई में बढ़ जाऊंगा। ठीक है, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए पढ़ने, न्यूमेरिकल्स, देन आप मुझे एक बार, जितने लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।